धर्म कौन सा है? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के अंदर अपने देखा है भगवान बुद्ध द्वारा चलाया गया ये धर्म था। शुरुआत में तो उन्होंने लोगों को जागरूक करने के लिए अपने देखा कि भाई अपने घर से वो रवाना हो गए, और उसके बाद में लंबे समय तक उन्होंने वहाँ पर अपने आसन लगा के बैठते हैं और भगवान की अर्चना करते हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए, लेकिन ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। लेकिन फिर एक समय ऐसा आता है कि भाई उन्होंने उनके साथ में 5 सदस्य गए थे, जो सारे अपन जब धर्म पढ़ेंगे उसमें विस्तार से बताएंगे कि किस प्रकार से वहाँ पर वो रहते हैं अपने सदस्यों के साथ में, लेकिन उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। लेकिन एक समय एक कुछ महिलाएँ पानी भरने के लिए जाती है और वो कुछ मतलब सुनाते हुए गान सुनाते हुए जाते हैं कि भाई किसी गिटार के तार को इतना भी नहीं कचना चाहिए कि वो टूट जाए, या इतना भी ढीला नहीं छोड़ना चाहिए कि वो बजे नहीं। तो उसके कारण उनको मध्यम मार्ग का ज्ञान हुआ, मध्यम मार्ग का ज्ञान हुआ, और उसके बाद में उन्होंने ज्ञान के लिए वहाँ पर उपासना करनी शुरू की, और फिर उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है और फिर उपदेश देना शुरू करते हैं और बौद्ध धर्म की शुरुआत होती है। अब बौद्ध धर्म की अपन को जानकारी किससे मिलती है? बौद्ध धर्म की जानकारी के लिए मुख्य ग्रंथ है त्रिपिटक। त्रिपिटक ग्रंथ कहा जाता है, त्रिपिटक नाम से पता चलता है। तीन कितने हैं? तीन भाग बांटे गए हैं, जिसमें सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। अभिधम पिटक अब इसमें तत्कालीन समय में उस जो बौद्ध धर्म है उसके बारे की मुख्य मुख्य जानकारी दे रखी है। सूत पिटक, विनय पिटक व अभिधम पिटक, इसलिए इसको त्रिपिटक कहा जाता है। इसमें बौद्ध धर्म के नियम और आचार संग्रहित है, यानी उस समय के बौद्ध धर्म की सारी इसमें जानकारी दे रखी है, किस प्रकार से धर्म को चलाना है। विनय के अंदर मतलब धर्म का पालन कैसे करना है, अभिधम पिटक यानी बौद्ध धर्म है क्या, और सूत पिटक इसका पालन कैसे अपन को सही रूप से करना है, ये सारी जानकारी दे रखी है। अब इसके अंदर मुख्य रूप से आसन संहिता बौद्ध ग्रंथ का दूसरा महत्वपूर्ण, इसमें तो 3 बार दे रखी है, बौद्ध धर्म का पूरा सार है। फिर आता है अपने जातक ग्रंथ। जातक ग्रंथ मतलब एक मिनट, जातक ग्रंथ में बौद्ध धर्म के पूर्व जन्म की कथा है, जो बुद्ध के पहले की, जिसमें 549 कथाएं दे रखी है। 549। अब इसमें क्या दे रखा है कि इसमें विभिन्न प्रकार के उनके पशु रूप में या विभिन्न प्रकार के जो अन्य रूपों में जाकर क्या करते हैं, लोगों को उपदेश देते हैं, कोई उनको सीख देते हैं, वो नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं उन कहानियों के रूप से, इसलिए इनको जातक ग्रंथ कहा जाता है। और इसमें नैतिकता की सारी जानकारी दे रखी है, इसमें सत्य है, अहिंसा है, अस्तेय, सारी जो इसमें मुख्य मुख्य बातें दे रखी है। तो ये सारे जातक ग्रंथ हैं। इनके अलावा इनकी रचना है, जो हमने बौद्ध ग्रंथ है उनकी रचना है पाली भाषा में की गई है, जो तत्कालीन में लोक प्रचलन की भाषा थी, इसलिए ये ग्रंथ काफ़ी सारे फेमस होते हैं। इनके अलावा और मुख्य 3 ग्रंथ हैं, इनमें एक है मिलिंद पनो, जिसमें मिलिंद के 2 लिखे हुए हैं, और इसके अलावा दीप वंश और महावंश, जो शिल्प सीनल दीप यानी श्रीलंका के जो ग्रंथ हैं उनके अंदर अपन को जानकारी मिलती है, जिसके अंदर तत्कालीन समय में बौद्ध भिक्षु नागसेन, और ये मिलिंद पनो में तो बौद्ध भिक्षु नागसेन और एक मीनांडर जो विदेशी दार्शनिक था, उन दोनों के बीच में दार्शनिक चर्चा होती है, उसकी जानकारी दे रखी है। फिर इसमें और अन्य ग्रंथों में मंजूषी मूलकल, इसके अलावा अश्वघोष जो अपने हुआ था कनिष्क के काल में, उसका है बुद्ध चरित्र, इसके अलावा सौदरानंद काव्य जो बहुत ही महत्वपूर्ण काव्य है तत्कालीन समय में बौद्ध धर्म का, इनकी जानकारी मिलती है। फिर इसके अंदर अन्य जो बुद्ध का धर्म का प्रचार हुआ है, जैसे चीन में हुआ है, श्रीलंका में हुआ है, नेपाल में हुआ है, तिब्बत में हुआ है, तो वहाँ के जो स्थानीय जो बुद्ध भिक्षु थे उन्होंने भी विभिन्न प्रकार के ग्रंथों की रचना की है, तो इनके अंदर अपनों को तत्कालीन समय की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक जानकारी मिलती है। बौद्ध साहित्य के बाद में अपन देखते हैं इसका जैन साहित्य। जैन साहित्य में अपन ने देखा है जैन धर्म की मुख्य बातें दे रखी है, जिसकी जो इनको कहा जाता है आगम। जिस प्रकार से उसमें अपन ने देखा त्रिपिटक, बौद्ध धर्म में त्रिपिटक है, वैसे के वैसे इनके बौद्ध धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं उनको आगम साहित्य में रखा गया है, जिसमें इनके मुख्य रूप से 12 अंग है, 12 उपांग है, 10 प्रकीर्ण है, 6 सेत सूत्र है, इसके अलावा 1 नंदी सूत्र है, 1 अनुयोगद्वार सूत्र है और 4 मुख सूत्र है। इनके माध्यम से पूरे जो जैन साहित्य की रचना की गई है। अब जैन धर्म है जिसके अंदर अपने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह इनको मुख्य रूप से बांटा गया है। जैन धर्म में अपन ने देखा है कि टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ और पहले तीर्थंकर थे आदिनाथ, जो इसका शुरुआत करते हैं। और सबसे इन्होंने 4 चीज़ें दी थी, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अहिंसा। पहला ही है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, और फिर आए अपने 24वें तीर्थंकर, जिनका अपने पढ़ा था अभी, महावीर स्वामी,
माँ विश्वामी ने एक अन्य जोड़ दिया जिसका नाम था अपरिग्रह। तो ये सारी मुख्य है। अब इन सारी जो बातों को लेकर इनका ये ग्रंथों की रचना की गई है जिसमें सारी जानकारियाँ दे रखी है। तो ये मुख्य मुख्य है। और इनके अलावा, इन आगम ग्रंथों के अलावा, तत्कालीन समय में कुछ विद्वान हुए हैं जो जैन धर्म के, उन्होंने मुख्य और ग्रंथ लिखे हैं जिसके अंदर तत्कालीन समय की जो अपने मुख्य रूप से, अब इनकी जैसा कि बौद्ध धर्म की मैंने बताया था पाली भाषा है रचना करने वाली, बौद्ध धर्म किस भाषा में लिखे गए, पाली भाषा में लिखे गए हैं, वैसे के वैसे जैन धर्म किस भाषा में लिखे गए हैं, प्राकृत भाषा में। कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? प्राकृत भाषा। पाली भाषा थोड़ी सरल पड़ती है, प्राकृत भाषा थोड़ी जटिल पड़ती है, इसीलिए इसका इसके अनुयायियों के अंदर थोड़ी मतलब संख्या कम थी। और इनके अलावा ये अहिंसा पर ज़्यादा बल देते थे, इसके लिए लोग थोड़े इसके प्रति आकर्षित कम हुए इस धर्म की तरफ। तो ये अपने, इसके अलावा अन्य कौन से ग्रंथ इसमें, कथा कोष, प्रशिष्टि पर्व, भद्रबाहु चरित्र, भद्रबाहु जिसके माध्यम से अपने चंद्रगुप्त मौर्य ने बौद्ध ये जैन धर्म को बनाया था, इसके अलावा कल सूत्र, भगवती सूत्र आदि जो प्रमुख इनके ग्रंथ हैं। इनके अंदर तत्कालीन समय में ऋषि मुनियों और राजाओं के मध्य जो संबंध है इनकी भी अपन को जानकारी मिलती है, जिसमें भद्रबाहु चरित्र का जैसा कि मैंने बताया है कि भद्रबाहु चरित्र में लिखा गया कि किस प्रकार से जो अंतिम समय है चंद्रगुप्त मौर्य है जैन धर्म को अपनाकर दक्षिण में चला जाते हैं, और दक्षिण में ही उन्होंने क्या करते हैं, एक संतारा प्रथा होती है जैन धर्म में जिसके अंदर अंतिम समय में मनुष्य खाना पीना छोड़ कर क्या करते हैं, अपने शरीर के देह की त्याग कर लेते हैं। तो उसी संतारा पद्धति के माध्यम से चंद्रगुप्त मौर्य है जो अपने शरीर का त्याग कर देते हैं। तो ये आज अपन ने देख लिया मुख्य रूप से जैन धर्म, बौद्ध धर्म, और इससे पहली क्लास में अपन ने देखा है वैदिक धर्म। तो ये सारे ब्राह्मण धर्म से संबंधित ग्रंथ थे। अब इसके अलावा अगला इसका जो सेकंड है अपने स्रोतों में आता है धर्मेतर साहित्य, यानी धर्म से अलग साहित्य, वे ग्रंथ जो धर्म के अंदर धर्म की बातें नहीं करते हैं वो सारे धर्मेतर साहित्य में आ जाएंगे। तो शुरू करते हैं अपने धर्मेतर साहित्य के बारे में। धर्मेतर साहित्य जिसमें पहला है धर्मेतर साहित्य, और उसमें भी पहला है ऐतिहासिक साहित्य, फिर दूसरा आ जाएगा आपने विशुद्ध साहित्य, और तीसरा आएगा आपने क्षत्रिय साहित्य। इनके अंदर मैं मुख्य बातें बता दूंगा, किताबें तो आपके अंदर पूरी लिखी रखी है जो अपने किताब में दे रखी है अपने किताब में, और साथ ही आती है विदेशी विवरण। अब परीक्षा में आ जाए कि भाई वैदिक साहित्य है तो उसके अंदर अपन को मुख्य मुख्य भाग ये लिखने हैं और इसमें कुछ कुछ किताबों के नाम लिखने हैं। तो अपन ऐतिहासिक स्रोतों के माध्यम से शुरू करते हैं। ऐतिहासिक स्रोतों में सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है जो एक आती है कलण है, जो तत्कालीन क से कलण और क से कश्मीर, जो कश्मीर का इतिहास की जानकारी मिलती है, जो लगभग 12वीं शताब्दी में रचा गया ग्रंथ है, और जिसके अंदर शुरुआत से लेकर जो कश्मीर पर जो बाहरी आक्रमण वगैरह हुए हैं, जैसे कनिष्क ने भी वहाँ एक ललित पतन नामक नगर की स्थापना की है, अपने जो अशोक द्वारा भी एक नगर की स्थापना की गई है जिसके अपन को श्रीनगर, अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की है, उसकी भी अपन को इसके माध्यम से जानकारी मिलती है। तो इसमें कौन सी है? कलण की राजतरंगिणी, यानी नदी का है, राजाओं की नदी कहा गया इसको। राजतरंगिणी का मतलब क्या है? राजाओं की नदी। तो कलण द्वारा रचित है, ये भी एक ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसमें तत्कालीन समय की राजाओं की जानकारी मिलती है। इसके अलावा बहुत ही एक महत्वपूर्ण है जिसका नाम है कौटिल्य, इसका अन्य नाम विष्णुगुप्त है, और इसके अलावा एक और अन्य नाम है चाणक्य, तीन नाम है चाणक्य विष्णुगुप्त गुप्त, इसने रचना की है अर्थशास्त्र। कई बार क्वेश्चन छोटे कंपटीशन के एग्जाम में पूछते भी है कि कौटिल्य के अन्य नाम कौन कौन से है, तो ये जाएगा कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त, इसने कौन सी रचना की है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में किसी राजा का नाम नहीं देखा है, लेकिन उस समय की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी बातों को उसने इसमें शामिल किया है, और किस प्रकार से राजा को अपने अंग रखना चाहिए, किस प्रकार गुप्त व्यवस्था होनी चाहिए, वो सारी इसमें जानकारी दे रखी है। किस प्रकार से राजा के आस पड़ोस में मित्र होते हैं, किस प्रकार से शत्रु होते हैं, वो सारी जानकारी अपन को अर्थशास्त्र के माध्यम से होती है। तो ये हो जाएगा अर्थशास्त्र। इसके अलावा ये अन्य ग्रंथों में उस समय एक वाग्भट द्वारा हरिचरित्र की रचना की गई है, वाकपतिराज द्वारा गढ़वा की रचना की गई है, विलन द्वारा विक्रमादेय चरित्र की रचना की गई है, जयसिंह जो राजस्थान के थे उनके द्वारा कमालपाल की चरित्र की रचना की है, नयनचंद्र है जिसने अमीर महाकाव्य जो अपने अलाउद्दीन खिलजी के समय अमीर की जो कहानी है वो उसकी रचना की गई है, इसके अलावा पन्नुगुप्त जिसमें नवशहंसांग चरित्र की रचना की है, बल्लाल द्वारा भोज की रचना की गई है, इसके अलावा जनक जिसका नाम है जनक ग्रंथ, जनक है जो पृथ्वीराज का दरबारी कवि था, उसने
पृथ्वीराज रासो के नाम से ग्रंथ की रचना की है, जो बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है ऐतिहासिक दृष्टि से। तो ये हो जाएगा अपने ऐतिहासिक स्रोत। अब इसके अलावा आता है विशुद्ध साहित्य। जैसा कि मैंने बताया दिया, विशुद्ध यानी साहित्य इतिहास से अलग, जिसके अंदर तत्कालीन समय की जो काव्य है, टीका है, व्याकरण है, उनके ऊपर लिखे गए रचना है, तो वो सारे इसमें आ जाएंगे, कथाएं वगैरह है। तो जिसमें पहला है सबसे मुख्य, इसमें मुख्य मुख्य बात है, किताबों का नाम ही दे रखा है जो मैं आपको सुना देता हूँ। पहला है पाणिनि की अष्टाध्याय। पाणिनि के अंदर अष्टाध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण व्याकरण का ग्रंथ है, जिसके अंदर उसने व्याकरण की सारी जानकारी दे रखी है। इसके अलावा पतंजलि का महाभाष्य, नाम सुना ही होगा, पतंजलि जो अपने आयुर्वेद के जनक है, तो पतंजलि का महाभाष्य, गार्गी संहिता। इसके अलावा कालिदास द्वारा, कालिदास ने खूब सारे ग्रंथ लिखे हैं, 6-7 ग्रंथ लिखे हैं, तो उनके अंदर भी मुख्य रूप से विशुद्ध साहित्य में आता है अपने मालविका अग्निमित्र, जिसमें मालविका और अग्निमित्र की कहानी दे रखी है। इसके अलावा विशाखदत्त, विशाखदत्त का बहुत ही बढ़िया ग्रंथ है, जिसका नाम है मुद्रा राक्षस, जिस वो भी एक व्याकरण ग्रंथ से संबंधित है और ये एक टीका लिखी हुई है। इसके अलावा शूद्र का मत्स्यकटिकम, विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा, कामनंदक का नीतिसार, ये प्रमुख ऐतिहासिक ग्रंथों के अंदर आते हैं। फिर आता है कथा साहित्य, जिसमें कथाएं लिखी गई है, जिसमें अंदर सबसे महत्वपूर्ण बहुत ही जो बच्चों की सबसे फेवरेट होती है, पंचतंत्र की कथाएं, पंचतंत्र, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों की कहानियाँ, जिस प्रकार अभी वर्तमान में चलती है अपने जो कॉमिक्स वगैरह, तो उस प्रकार उस समय में इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए पशु पक्षियों के माध्यम से, शेर चीता के माध्यम से वो बोलते हैं और एक दूसरे की वो बात करते हैं, और वो भी नैतिकता वगैरह की बात करते हैं। तो पंचतंत्र की रचना की थी विष्णु शर्मा ने, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो पंचतंत्र। इसके अलावा अपने गुड़ाडेय, ये 2-3 कहानियाँ हैं, गुड़ाडेय की व्रत कथा मंजरी, श्यामेंद्री की व्रत कथा मंजरी, सोमदेव की कथा श्री सागर, अमर सिंह का अमरकोश। इसमें जो मैंने बताया गुड़ाडेय की व्रत कथा मंजरी, श्यामेंद्री की व्रत कथा मंजरी और सोमेश्वर की कथा श्री सागर, ये कहानी है जो आपने नाम सुना होगा, आपने भगवान शिव का जो अमरनाथ की गुफा है उसमें 2 कबूतर की कहानी है, उसमें कहा गया कि भाई भगवान शिव है जो पार्वती को कहानी सुना रहे थे कि भाई व्यक्ति अमीर अमर कैसे होता है, तो उस कहानी को पार्वती सो जाती है लेकिन वो कबूतर सुन लेते हैं, फिर अब वो कबूतर अमर हो जाते हैं, तो वो फिर किस प्रकार से उनकी मुक्ति होगी और वो आगे जाकर इस कहानी का कैसे प्रचार करते हैं, तो ये बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए जिनमें बताया गया कि वो फिर वापस वहाँ से जंगल में आते हैं और जंगल में काफ़ी समय तक निवास करते हैं, और फिर जंगल में एक राजा आता है और फिर वो राजा उनका उद्धार करता है और फिर वापस उनके वो राजा को कहानी सुनाते हैं, बहुत लंबी ये लंबी चौड़ी कहानी है। तो ये तीनों का लगभग ग्रंथ है, उसी के ऊपर आधारित है। फिर आता है अपने अमर सिंह का राज अमरकोश आदि, ये तत्कालीन समय के विशुद्ध साहित्य है, यानी उस समय के राजा महाराजों से अलग कहानियां हैं ये सारी, तो ये आते हैं विशुद्ध साहित्य में। फिर आते हैं क्षत्रिय साहित्य। क्षत्रिय साहित्य का मतलब मैंने पहले बता दिया, स्थानीय जो राजा के अधीन जो सामंत वगैरह थे उनके द्वारा जो लिखे गए ग्रंथ हैं वो आ जाते हैं क्षत्रिय साहित्य में, जिसमें इनके अलावा जो अपने दक्षिण भारत के अंदर जो तमिल ग्रंथ कहा जाता है, तमिल भाषा चलती है दक्षिण भारत में, तो दक्षिण भारत में 3-4 राज्य थे, उनके उन्होंने मिलाकर एक संगम का आयोजन किया। संगम का नाम सुन तो पता चलता है, संगम यानी नदियों का जहाँ आकर मिलन होता है वो संगम कहलाता है। तो ऐसे के ऐसे 3-4 राजवंशों का, तमिल के अंदर 3 राजवंश थे, शेर चोल और पांड्य, इन तीनों ने मिलकर क्या किया, इनका आयोजन किया, और तीनों मिलकर एक ही जगह आए और अपने ग्रंथों का वहाँ पर उन्होंने गान किया, उनको पढ़ा लिखा, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, संगम साहित्य कहा जाता है। और ये कौन सी भाषा में लिखे हैं, तमिल भाषा में। तो इनके ये अपने स्थानीय हो जाएंगे, जिसमें इनके जो प्रेरणा स्रोत थे, जो इनको संगम साहित्य के जो संगम का आयोजन करने वाले जो ऋषि थे उनका नाम था अगस्त्य ऋषि, इनके बारे में अपन को जानकारी मिलती है। इसके अलावा तत्कालीन जो स्थानीय राजाओं में अपन बात करें, स्थानीय भाषाओं की बात करें, तो ये तमिल भाषा में लिखे गए। इसके अलावा कृष्णदेवराय द्वारा जो अपने कृष्णदेवराय के दरबार में विभिन्न प्रकार के कवि थे जो अपने तत्कालीन समय की जानकारी देते हैं। इसके अलावा जो राजस्थान की भाषा की बात करें, राजस्थानी भाषा में अपने मुख्य रूप से बात करते हैं, तो जो पहले एक बात मैंने बता दिया चंद्रवर्दे की जो पृथ्वीराज रासो, इसके अलावा पद्मावत का कानड़देव प्रबंध, बीटू सुजा का राव जैसी रा चंद, सूर्यमल मिश्र का वंश भास्कर, नैन सिंह का नैन सिंह ख्यात, बाकीदास का बाकीदास की ख्यात, ये मुख्य तत्कालीन ग्रंथ है। इसके बाद में आता है विदेशी विवरण, विदेशी साहित्य में मैंने बता दिया, विदेशी साहित्य में 3 जो क्षेत्र से मुख्य रूप से आते हैं, अरब क्षेत्र, इसके अलावा अपने जो चीन से आते हैं, तो मुख्य रूप से पहले अपन देख लेते हैं अरब से कौन कौन से आए पुस्तक लिखने वाले, तो उनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। यूनानी में जो सिकंदर के साथ में हेरोडोटस टस, जिसने कौन सी लिखी, हिस्टोरिका, जिसे इतिहास का पिता कहा जाता है,
तो इनके ग्रंथ के अंदर जानकारी मिलती है अपन को तत्कालीन समय की। इसके अलावा अन्य जो आया था मेघस्थनी, अब मेघस्थनी ने एक पुस्तक लिखी। बच्चों को याद रखने के लिए मैं सरल बताता हूँ कि मेघस्थनी कहाँ से आया, विदेशों से आया, और भारत में एक कार का नाम प्रचलित है इंडिका। कौन सा प्रचलित है? इंडिका। तो मेघस्थनी किसमें बैठ के आ गया? इंडिका में बैठ के भारत आया। तो मतलब उसकी मेघस्थनी की पुस्तक है इंडिका, उसके अंदर विभिन्न प्रकार की जानकारी मिलती है। लेकिन वर्तमान में इंडिका पुस्तक अपन को नहीं मिलती है, लेकिन इंडिका पुस्तक का जो अन्य लेखक है वो वर्णन करते हैं कि भाई इंडिका पुस्तक में भारत के बारे में ये लिखा था। तो ये अपन को तत्कालीन समय की जानकारी देता है मेघस्थनी की इंडिका पुस्तक, जो यूनानी है। सिकंदर के समय हेरोडोटस आया, वो भी यूनानी है। मेघस्थनी है, वो भी अपने यूनानी क्षेत्र से आए हैं। तो ये है। इसके अलावा अन्य जो प्रमुख आए हैं, टालमी का ग्रंथ है भूगोल, जिसमें भी अपन को तत्कालीन समय की जानकारी मिलती है। इसके अलावा पिलनी की द एल्डर नेचुरल हिस्ट्री, एस्टोबुलिस की हिस्ट्री ऑफ द वार, स्ट्रैबो की भूगोल आदि की जानकारी मिलती है। और एक अन्य ग्रंथ है जिसका मुख्य रूप से पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रिन सी ये है, जो एक सी का मतलब अपने समुद्र से होता है। इस ग्रंथ के अंदर इसके लेखक की जानकारी नहीं मिलती है, लेखक की जानकारी नहीं मिलती है। ये ग्रंथ जो रचा गया, उसमें ग्रंथ की रचना कर ली, लेकिन उसने खुद का नाम लिखना भूल गया, इसलिए अज्ञात लेखक कहा जाता है। इसके अंदर इसने क्या किया, समुद्र के बारे में, सी यानी समुद्र के अंदर तत्कालीन समय इसके जो जितने भी बंदरगाह थे, प्रमुख बंदरगाहों की इसके अंदर जानकारी मिलती है। बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, सारे बंदरगाहों की इसके अंदर जानकारी मिलती है, और किन किन बंदरगाह से कौन कौन सा व्यापार वाणिज्य होता था वो इसके अंदर मुख्य रूप से जानकारी मिलती है। तो इसमें विदेशी विवरण पहला है यूनानी, और यूनानी में अपन ने देख लिया हेरोडोटस, जो इतिहास का पिता कहा जाता है, हिस्टोरी का पुस्तक। फिर आता है मेघस्थनी, जिसने हिंदी का पुस्तक लिखी, टॉलेमी की भूगोल लिखी, और अन्य ग्रंथों में पेरिप्लस ऑफ एथेंसी। इसके अलावा अन्य जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें जो विदेशी ग्रंथों में आता है, चीन के ग्रंथ। चीन में मैं आपको तीन मुख्य रूप से बताऊंगा, जिनकी पुस्तकों के भी नाम लिखेंगे। चीन से आए, जिसमें पहला है अपने फायान, फिर हैंसांग, फिर आया इत्सिंग। अब फायान है जो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय, उसके समय में आया था फायान, और उसने पुस्तक लिखी फू की यो की, ये ग्रंथ लिखा। फिर आया हैंसांग, जिसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, यात्रियों का राजकुमार, और यह आया था अपने हर्षवर्धन के समय, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। हर्षवर्धन राजा था, उसके दरबार में आया था, और काफ़ी समय तक, लंबे समय तक यहाँ पर रहा था, और उस समय तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय की बात करता है। और हर्षवर्धन ने जो अपने कन्नौज धर्मसभा का वगैरह आयोजन किया, जो आगे की क्लास में अपने पढ़ेंगे, उनके अंदर उसने उसकी सारी जानकारी दे रखता है। और इसके अलावा दक्षिण भारत के जो राजा थे, जिनका इनसे संघर्ष होता है हर्ष के साथ, उसका भी ये उल्लेख करते हैं, इसकी जानकारी उनको मिलती है। इनकी पुस्तक का नाम था हैंसांग की सी यू की। हैंसांग की कौन सी पुस्तक थी? सी यू की, इनकी जानकारी मिलती है। इसके अलावा इत्सिंग है, जो इसके बाद में 7वीं-8वीं शताब्दी में आया था, और उसकी पुस्तक का अपन को भी नाम नहीं मिलता है इसमें किधर, लेकिन उसने जो भी तत्कालीन समय के अपने बौद्धिक जो स्थान थे, विश्वविद्यालय थे, उनकी इसके अंदर जानकारी लिखी है, समाज की जानकारी लिखी है। तो ये मुख्य रूप से चीनी ग्रंथ है। इसके बाद में आता है अपने अन्य जो विदेशी है, उसमें तिब्बत के ग्रंथ, तिब्बत के तारानाथ वगैरह ने ग्रंथों की रचना की। तिब्बत ग्रंथों में मुख्य रूप से बौद्ध धर्म की जानकारी मिलती है, जैसा कि मैंने बताया, बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर बहुत विदेशी आदमी आए हैं। तो तिब्बती ग्रंथ जिसमें मुख्य रूप से अपने एक तो तारानाथ द्वारा क्यूंग तिंग तसे तिब्बत, और एक तारानाथ ने क्यूंग्यूर और त्युंग्यूर ये ग्रंथ लिखे हैं। दो ग्रंथ है मुख्य रूप से इनके अंदर। इसके अलावा अन्य जो ग्रंथ है, जो तत्कालीन समय में अपने जो दाई सेन वाली सिंध वाली मैंने कहानी बताई थी, सस्तनामा, जिसकी भी जानकारी मिलती है। इसके अलावा अन्य जो आए बाहर से, अरब क्षेत्र से, जिसमें अलबेरूनी का तारीख हिंद पुस्तक महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अन्य ग्रंथों में तारीकुल हिंद वगैरह भारतीय संस्कृति और समाज की जानकारी अपन को प्रदान करता है। तो ये हो गए अपने स्रोत पूरे। वापस एक बार मैं बता देता हूँ, साहित्यिक स्रोतों को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें मुख्य रूप से ब्राह्मण साहित्य में अपने वेद पढ़े, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा, जैन धर्म के बारे में पढ़ा। फिर आता है अपने
अंतिम जो धर्मेत्र साहित्य, धर्मेत्र साहित्य को सिद्धार्थ भगवान बांटा गया, जिसमें अपने मुख्य रूप से जो अपने यूनानी आए उनके पहले ऐतिहासिक ग्रंथ, जिसमें अपने इतिहास के बारे में जो ग्रंथ लिखे गए, जैसे अपने कलण की राजतरंगिणी वगैरह उनके बारे में पढ़ा। फिर आते हैं अपने ऐतिहासिक ग्रंथ के बाद में मुख्य रूप से जो विशुद्ध साहित्य, जो व्याकरण वगैरह के ग्रंथ हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय साहित्य, जिसके अंदर स्थानीय राजाओं द्वारा लिखे गए हैं। और इसके बाद में विदेशी विवरण, विदेशी विवरण को भी तीन भागों में बांटा गया, यूनानी है, चीनी है और अपने तिब्बत वाले हैं, और इनके अलावा अन्य जो अरब वगैरह सत्र के आए हैं इनके बारे में। फिर आते हैं अपने इतिहास के स्रोत के वंशावली, वंशावलियाँ। जैसा कि मैंने बताया है कि वो वंश और वंशानुसृत चरित्र, इसमें राजाओं के घटना, राजाओं के वंशों के जो के बारे में लिखा है। और अन्य वंशावलियों में जैसे राजा महाराजा कोई किसी को ताम्रपत्र या अभिलेख ले लेते हैं तो उसकी जानकारी अपन को मिलती है वंशावलियों में। अब इन ग्रंथों को प्रमाणिक स्रोत के रूप में भी अपने यहाँ पर पेश कर सकते हैं न्यायालयों में वगैरह, तो ये बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें मैंने पहले बता दिया कि अपन बात करते हैं जैसे जो गंगा के वहाँ पर जाते हैं अपने किसी का दियो का विसर्जन करने लिए, तो वहाँ पर भी अपनी वंशों की जानकारी मिलती है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जो सारण भाटों और रावों द्वारा विभिन्न प्रकार के ग्रंथ की रचना की जाती है। और इसके अंदर तुम्हारे ये दे रखे हैं कि भाई कहाँ कहाँ ये कुछ केस दे रखे हैं, जिसमें किन किन केसों में कोई घटनाक्रम हुआ है, तो कैसे वहाँ पर उनका सरकार ने उनको प्रमाणिक स्रोत के रूप में माना है। तो ये सारे अपने आप में वंश जो वंशावलियाँ हैं बहुत महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में जानी जाती है। तो ये अपने हो जाएंगे आज के लेसन में, अपने दो लेसन में पूरे कर लिए अपने जो भारत के इतिहास के जानने के साहित्यिक स्रोत।